हेलो दोस्तों, अगर आप विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हैं और फर्स्ट टाइम आपने कोड ब्लॉक्स इंस्टॉल किया है विंडोज़ 10 में, तो एक छोटी समस्या आ सकती है आपके सामने कि कोड ब्लॉक्स में आपका कंपाइलर डिटेक्ट ना हो। जैसे कि यहाँ पे एरर आ रही है, कांट फाइंड कंपाइलर एग्जीक्यूटेबल फॉर योर कॉन्फिगर्ड सर्च पाथ फॉर GNU GCC कंपाइलर। कोड ब्लॉक्स का बैकएंड पे जो सी प्रोग्राम चलते हैं हमारे GCC कंपाइलर पे चलते हैं, और GCC कंपाइलर हो सकता है कि फर्स्ट टाइम जब आप इंस्टॉल कर रहे हैं उसमें पहले से GCC कंपाइलर अवेलेबल ना हो, तो आपको अलग से GCC कंपाइलर इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो फॉर दैट आज हम इसमें इंस्टॉल करना सीखेंगे। तो कुछ आपको क्या करना है, आपको MingGW सर्च करना है इंटरनेट पे। MingGW ही आपका GCC कंपाइलर प्रोवाइड कराता है, तो MingGW की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। देन फिर डाउनलोड्स के अंदर जाना है। इसमें डाउनलोड्स में एक ऑप्शन आएगा यहाँ पे MingGW गेट सेटअप डॉट exe करके, आपको ये इस पर क्लिक करना है तो ये सेटअप आपका डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, सो हमने क्या किया हुआ है, हमने सेटअप ऑलरेडी इसमें डाउनलोड किया हुआ है पहले से, तो वी गो टू दैट सेटअप पाथ। सो दिस इज अ सेटअप, ओके। सो आई जस्ट इंस्टॉल दिस सेटअप। The default directory is MingGW in the C drive, it is installed. You can change the directory. I kept this directory as it is and then continue. So it will connecting to the server and try to install some of the program files from MingGW जो कि हमें आवश्यक होंगी। Once it is done, तो हमें continue press करना है यहाँ पे। सो इसके बाद ये पैकेजेस हैं जो हमें आफ्टर दिस इंस्टॉलेशन मैनेजर के बाद मिलते हैं। सो अगर आप चाहें तो सारे के सारे पैकेज इंस्टॉल कर सकते हैं, तो लेट्स चूज ऑल दिस पैकेजेस विच इज मार्क फॉर इंस्टॉलेशन। डेवलपर्स टूल किट, बाइनरी, बेस बाइनरी, एंड हियर इट इज़ GCC G++ कंपाइलर, एंड ऑब्जेक्टिव सी के लिए भी आप ले सकते हैं, अडा और बेस कंपाइलर भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक इंस्टॉलेशन करेगा। अडा कंपाइलर मैं नहीं कर रहा हूँ, फोर्ट्रोन और अडा मेरे को नहीं चाहिए। GCC कंपाइलर हम लेके चलते हैं, ऑब्जेक्टिव सी कंपाइलर अगर इन फ्यूचर आपको ऑब्जेक्टिव सी का कोई कोड रन करना पड़ जाए, एंड बेसिक सिस्टम इंस्टॉलेशन वगैरह की फाइलें हम इंस्टॉल कर लेते हैं। सो ये सेलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, बस इसके बाद आपको इंस्टॉलेशन में जाके अप्लाई चेंजेस कर देना है, एंड देन क्लिक ऑन अप्लाई। ओके, सो दिस विल इंस्टॉल ऑल द पैकेजेस विच वी हैव सेलेक्टेड इनटू आवर सिस्टम। तो सारे पैकेज इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे सारे जो जो पैकेट हमने सेलेक्ट किए थे पैकेजेस, वो सारे के सारे हमारे ग्रीन हो गए हैं। सो इसके बाद जस्ट क्लोज दिस वन एंड ओपन द कोड ब्लॉक्स। तो जैसे ही कोड ब्लॉक्स ओपन होगा, यहाँ पे आपकी एक तो वो वार्निंग या एरर नहीं आई है कि कोड ब्लॉक्स में कंपाइलर डिटेक्ट नहीं हुआ है। फिर भी एक बार हम वेरीफाई करने के लिए सेटिंग्स में जाके, कंपाइलर ऑप्शंस में जाके एक बार डिफॉल्ट्स को रीसेट करते हैं। जैसे ही डिफॉल्ट्स को रीसेट करेंगे आप, तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली MingGW कंपाइलर को डिटेक्ट कर लेता है। ओके, सो इन दिस वे आपका जो कोड ब्लॉक्स है वो GCC कंपाइलर के ऊपर वर्क करना शुरू कर देता है। सो थैंक यू वेरी मच। केवल